दोस्तों, क्या हम कभी तलवार का उपयोग करके सब्जियां काटते हैं, पेन का उपयोग करके गड्ढे खोदते हैं, या फिर इस्त्री का उपयोग करके पापड़ सेकते हैं? तो हम इस कैंची का उपयोग करके अपने पौधों पर, अपने गुलाबों पर अत्याचार क्यों करते हैं? सही काम के लिए सही टूल का उपयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों, जब हम किसी भी पौधे को कट करते हैं तो एक तरीके से उस पर जख्म हो जाता है। अगर ये सही टूल से, शार्प ब्लेड से नहीं किया गया तो उस पर फंगस बैठने का और डायबैक जैसे रोग आने का खतरा रहता है। गार्डन की कैंची को इंग्लिश में सिकेटर्स या फिर प्रूनर्स भी कहा जाता है। इस प्रूनर के दो मुख्य प्रकार किए जाते हैं। पहला होता है बाईपास प्रूनर और दूसरा होता है एनविल प्रूनर। तो इन दोनों की विशेषता मैं आपको बताता हूँ। इसमें से जो बाईपास प्रूनर होता है वो उसके ब्लेड को बाईपास करता है, इसीलिए इसे बाईपास प्रूनर कहा जाता है। दूसरा जो एनविल प्रूनर होता है वो आगे आपके इस तरीके से रुक जाता है, इसलिए इसे एनविल प्रूनर कहा जाता है। बाईपास प्रूनर में ब्लेड की एक साइड शार्प की जाती है और एनविल प्रूनर में ब्लेड की दोनों साइड्स शार्प की जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, बाईपास प्रूनर का उपयोग पौधे पर जो जिंदा टहनियाँ होती है उन्हें कट करने के लिए किया जाता है, और एनविल प्रूनर का उपयोग पौधे के ऊपर जो मरा हुआ हिस्सा होता है, जो डेड वुड होता है, उसे कट करने के लिए किया जाता है। एनविल प्रूनर का उपयोग अगर जिंदा टहनियों पर किया गया तो वो ठीक तरीके से कट नहीं होता। एनविल प्रूनर जिंदा टहनियों को पिचका देता है, वो कट क्लीन कट नहीं होता। और बाईपास प्रूनर का उपयोग अगर बड़े आकार के डेड वुड पर किया गया तो वो सही तरीके से कट नहीं करता। इसीलिए एक होशियार गार्डनर के पास दोनों तरीके के प्रूनर्स होने ही चाहिए। अगर आपने गार्डनिंग की अभी अभी शुरुआत की है और आपके पास बगीचा बहुत छोटा है तो आपका बाईपास प्रूनर से भी काम चल जाएगा। बाद में जब आपके पौधे बहुत बड़े हो जाएंगे तब आप एनविल प्रूनर ज़रूर लीजिए। कोई भी प्रूनर लेते वक्त वो अच्छी क्वालिटी का हो और ब्रांडेड हो, इसका ध्यान हमें रखना चाहिए, क्योंकि ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार आपको अच्छी क्वालिटी का प्रूनर मिल गया तो वो दसियों साल चल सकता है। बाईपास और एनविल दोनों तरीके के प्रूनर्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसके बाद हम देखेंगे इन प्रूनर्स का मेंटेनेंस और केयर क्या करनी पड़ती है। आपका गार्डनिंग प्रूनर सालों साल चलाने के लिए सिर्फ तीन बातों का ध्यान आपको रखना है। उसमें से पहला मुद्दा ये है, कटिंग करने के बाद आपका गार्डनिंग प्रूनर गीला न रह जाए, इसीलिए उसे सूखे कपड़े से पोंछना है। दूसरा मुद्दा ये है कि इसे सही तरीके से स्टोर करना है। अगर ये खुले में रखा गया तो किसी को लग भी सकता है। गार्डनिंग की कैंची रखने की जगह ड्राई होनी चाहिए। अगर उस पर मॉइस्चर जमा हो गया तो उस पर जंग लगने का खतरा रहता है। बहुत लोग ये गलती कर देते हैं कि गार्डनिंग टूल जब यूज़ किया उसके बाद नीचे गमले में ही उसे रख देते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तीसरा मुद्दा ये है कि जब आपका साल में एक बार बड़ा वाला प्रूनिंग होगा, उससे पहले किसी भी प्रोफेशनल के पास जाकर अपनी गार्डनिंग की कैंची को अच्छे तरीके से शार्पन कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपको गुलाब के प्रूनिंग के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने गार्डनिंग करने वाले दोस्तों को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए।
ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।